की 10 तारीख को मेरा केदारनाथ तक मेरा केदारनाथ इसी से जाएंगे। गाइस ये देख लीजिए भाई, केदारनाथ तक जाएंगे इसी साइकिल से। बहुत बढ़िया। शीतला पूजा का पहला दिन में हमने मंदिर के अंदर जाने से पहले शुद्ध पानी यानी नारियल पानी पीकर किया है। जय शीतला माता। शीतला माता की दर्शन करने चले हम। शीतला माता को जल चढ़ाने को यहाँ सुबह से ही लोगों की लंबी लाइन लगी है। लोगों का ये मानना है कि अगर आप सच्चे मन से शीतला माता से कुछ मांगते हैं तो वो आपको मिल जाता है। शीतला माता को जब हमने दूर से दर्शन किया तभी हमें ऐसा लगा कि माता जी चमक रही थी। यहाँ पे लामडिंग पे हर साल शीतला माता की पूजा धूमधाम से की जाती है और हम शीतला माता की पूजा देखने के लिए आए हैं और आज पहला दिन है। और यहाँ पे सिर्फ लामडिंग से नहीं, बाहर से दूर दूर से भी लोग आते हैं, जैसे लंका हो जाए, गुवाहाटी, सिलचर और भी कलकत्ता से भी और भी बहुत शहर से आते हैं लोग यहाँ पूजा देखने के लिए। और गाइस ये पूजा 8 दिन चलेगा, आज मंगलवार है, नेक्स्ट मंगलवार तक ये पूजा चलेगी। दूर दूर से भक्तजन माता जी की दर्शन करने आए हैं, पूजा करने आए हैं और ये दृश्य एक बार देख लीजिए। और गाइस यहाँ देख सकते हैं बहुत भीड़ है, यहाँ पे हम भी अभी पूजा दर्शन करने आए हैं। और भैया यहाँ पे हमने एक भैया को मिला हमने, और भाई शायद साइकिल करके आया हूँ 58 किलोमीटर का इधर। और अपना नाम? मेरा नाम राजदीप भूमिक और मेरा चैनल का नाम है भूमिक जी ब्लॉग। हाँ गाइस इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कीजिएगा। और आप साइकिल से ही ट्रेवल करते हो? साइकिल से ट्रेवल करते हो। अभी तक कहाँ कहाँ गए? अभी तो नौगांव, हम लोग का हुजाई नौगांव, इधर सब टेबल राइड करता हूँ। और अभी 10 तारीख को मेरा केदारनाथ तक मेरा केदारनाथ इसी से जाएंगे। गाइस ये देख लीजिए भाई, केदारनाथ तक जाएंगे इसी साइकिल से। बहुत बढ़िया, ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं भी माता जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए लाइन में लग गया। यही है वो जगह जहां माता जी को जल चढ़ाया जाता है। शीतला माता की मूर्ति जब हमने करीब से देखा तो इतना ऊंचा और इतना बड़ा था ये मूर्ति। सो गाइस ये देख सकते हैं शीतला पूजा का फर्स्ट गेट इंडिया गेट से सजाया गया है और कितना खूबसूरत से सजाया गया है। और अंदर भी बहुत सुंदर से गेट सजाया है। हाँ बहुत सारे गेट है, ये फर्स्ट गेट है। हाँ इंडिया गेट जैसे बनाया है। और गाइस ये देख सकते हैं आप, ये बर्गर ये देखिए कितना सुंदर से सजाया गया है और कितना बढ़िया बढ़िया आइटम है। आप क्या खाना चाहेंगे? आप पूजा में भी आइए और बढ़िया बढ़िया आइटम भी खाइए, गेट के पास ही है।
और गाइस अभी हम सेकंड गेट के पास आ चुके हैं और ये सेकंड गेट भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। और यहाँ पे है दार्जिलिंग मोमो सेंटर, बहुत बढ़िया मोमो मिलता है यहाँ पे। डेकोरेशन ऐसा सजाया था वेलकम स्क्रीन से कि लोगों की नजर नहीं हट रही थी। और गाइस यहाँ पे गौरव स्वीट्स है और बहुत बढ़िया बढ़िया स्वीट मिठाई दिखाई दिया गया है। और मैं यहाँ पे भैया कितना करते हैं, एक में 10 पीस। और गाइस ये देख सकते हैं इतना बड़ा मिठाई 10 रुपये में मिलता है। और अबे तो यहाँ पे स्वीट खाने का मन हुआ, और कौन कौन खाएगा, खाओगे तुम? खाओगे? एक एक दीजिए हमको। क्या हमारा दो एक तो नहीं खाएगा बोला? रस दे तो रस चाहिए भैया, रस तो हमें, रस हमारा फेवरेट है। बाटी कितना, एक 10? और ये देखिए गाइस कितना सॉफ्ट है और इतना सारा झोल दिया है हमें, झोल बोलते रस सॉरी गाइस रस दिया गया और ये हमारा फेवरेट फर्स्ट क्लास है। लोग भी अगर यहाँ पे पूजा ये हमारा ठीक मंदिर के पास ही ऑपोजिट में इनका दुकान, यहाँ पे आइए और बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला खाइए। हम भी खा रहे हैं, एक बार से जी नहीं भरता भैया, दे दो दो ये देखिए रस। खाते जाओ। और गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर से सजाया गया है ऊपर, ये देखिए। और इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे देखिए सारा क्राउड है और यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ यहाँ पे ढोल बज रहा है। और इतना सुंदर मंदिर, और इतना सारे लोग हैं यहाँ पे देख सकते हैं।